फिजा। हाँ जी। प्लीज मुझे एक कप चाय पिला दो। जी आप पिएंगे चाय? नहीं बेटा मेरा दिल नहीं कर रहा। मैं बना कर लाती हूँ। थैंक यू। आपको क्या लगता है लोग घर छोड़ के चले तो जाएंगे? पता नहीं बहुत अजीब लोग हैं ये, मुश्किल से जान छोड़ेंगे हमारी। क्या तो आप ठीक रही हैं? ये मुआवजा ही होगा। गलती एक्चुअली हमारी है, जब उन्होंने कहा था कि एग्रीमेंट आगे करते हैं हमें उसी वक्त मना कर देना चाहिए था। क्या करें, गलती तो हो गई, बर्दाश्त करना पड़ेगा। और अब उसका फायदा वो पता नहीं कब तक उठाएंगे। अम्मी अम्मी क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। कोई खजाना मिल गया क्या? आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्या हम लोग केस जीत गए? जी अम्मी हम लोग केस जीत चुके हैं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे आज मैं तुम्हारी समझदारी की कायल हो गई। तुमने भी तो कितनी समझदारी से उन लोगों पर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए कि वो हमें धमकियां दे। सोच है आपकी, ऐसे इल्जाम लगाए मैंने उन पे, उनके तो फरिश्तों को भी उनके बारे में तहलील नहीं होगा। वैसे बड़ा अच्छा सबक दिया बड़े मियाँ को, बड़े आए थे हमें घर से निकालने वाले, सारी जिंदगी याद रखेंगे वो। ये बहुत जरूरी था, अब वो देखेगा जिंदगी भर एक लफ्ज भी नहीं बोलेंगे। चलो बड़े मियाँ तो सुधर जाएंगे, लेकिन उनकी जो बेगम है ना, जो अपनी नाक में मक्खी नहीं बैठने देती, वो कैसे सुधरेगी? बहुत गुरूर है उसके ऊपर। डेफिनेटली शौहर के हार पर उनका तो गुरूर टूट चुका होगा। और आज़र और फिजा, उनको तो मैं वक्त के साथ साथ उनके ऐसे होश ठिकाने लगा। फिजा ने सिर्फ मेरी मोहब्बत देखी, अब उसे समझ आ गया होगा जब प्यार नफरत में बदलता है तो तूफान की तरह हर चीज को लेकर बह जाता है। देखिएगा ऐसा सबक सिखाऊंगा मैं फिजा, मैं फ्रेश हो गया। आओ तो फिर मिठाई खाते साथ। अरिशा, अरे अरिशा इधर आओ जल्दी से, खुशखबरी सुनाओ। कहाँ रह गए थे आप, इतनी देर कहाँ हो गई? वकील के पास बैठ गया था। क्यों बैठ गए थे? आज तो कोर्ट में आपकी पेशी थी, जज ने क्या फैसला सुनाया? ना पूछो, मायूसी होगी। मायूसी? अमीन मेरी तरफ देखे, मुझे बताएं, मैंने इस तरह आपको हारा हुआ और परेशान कभी नहीं देखा। आप बताएंगे नहीं मुझे क्या हुआ? क्यों भाई? तो बताएं, बोले भी। हम मुकदमा हार गए हैं। अब ये लोग मजीद एक साल तक और रह सकते हैं। आपने जज को बताया नहीं कि हमें कितना हिरासा करते हैं? बताया था मैंने, लेकिन आज मेरा सच झूठ पर गालिब ना आ सका, और झूठ ने सच को हरा दिया। वाकई छूट जीत गया।
मॉम हाँ आप इस वक्त क्या बना रही हैं? कुछ बनाया नहीं, तुम्हारे डैड के लिए दूध गर्म करके लेके जा रही हूँ। दूध गर्म करके? डैड ने खाना नहीं खाया? नहीं, जब से वो फैसला आया है बिल्कुल टूट से गए हैं। जब इंसाफ देने वाली जगहों से इंसाफ ना मिले तो इंसान टूट सा ही जाता। फिजा का क्या रिएक्शन? वो बेचारी भी परेशान थी, चुप-चुप सी, खामोश थी। बेटा तुम उसको समझाओ ना कि टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता, सब ठीक हो जाएगा। कभी कभार इंसान अपने रहम दिली में किए हुए फैसलों की वजह से बहुत परेशान भी आ जाता। वैसे आज़र, इसमें तुम्हारा भी कसूर है। तुमने फराज से हमदर्दी दिखा के अग्रीमेंट क्यों आगे करवाया? और आपकी जो पैसों की लालच बढ़ गई थी, वो लोग किराया बढ़ाने पर राजी हुए तो आप उनको रखने के लिए राजी हो गए? तो तुम किस तरह मेरे से बात कर रहे हो? जब से वो लड़की आई है तुम्हें ना माँ से ना बाप से बात करने की तमीज रही है। जी फरमाइए। कामिल भाई, मेरे पास कुछ रकम है, उसको मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ ताकि महीने के महीने मुझे मुनाफा मिलता रहे। आइडिया तो बुरा नहीं है, मैं देखता हूँ तुम्हारे लिए कोई कारोबार। देखता हूँ क्या मतलब है? क्यों? आप अपने स्कूल में इन्वेस्ट कर लीजिए। स्कूल में? लेकिन। लेकिन क्या, हर कारोबार को ग्रो होने के लिए रकम की जरूरत होती है। हाँ जरूरत तो होती है, लेकिन। लेकिन क्या, अपने ही तो अपनों के काम आते हैं, और अगर आपका कारोबार मेरी वजह से अच्छा चलेगा तो मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी होगी ना। तुम ऐसा सोचते हो? जी मैं ऐसा ही सोचता हूँ, लेकिन आप हर वक्त मेरी नीयत के ऊपर शक करते हैं। मैं हंसता खेलता रहता हूँ इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं लोगों के जज्बात और एहसासात को नहीं समझ सकता। नहीं ऐसी बात नहीं है। वैसे कामिल भाई, आपस की बात है, आपको मेरा यहाँ रहना कुछ ज्यादा ठीक नहीं लगता? ये किसने कह दिया तुमसे? मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। अच्छा तो फिर शायद मेरी गलत फहमी होगी। आ गए आप? क्या बात कर रहे थे शाहरुख से? मुझे छोड़ो, ये बताओ कि तुमने क्या दुखड़े रोए शाहरुख के सामने? दुखड़े? मैं क्यों दुखड़े रोऊंगी शाहरुख के सामने? कजन है ना तुम्हारा? हाँ कजन है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मैं अपना दिल खोल के उसके सामने रख दूं। ये क्या बात हुई? ये बात तो मैंने सिर्फ तुमको बताई थी ना कि मुझे पैसों की जरूरत है, मैंने स्कूल को मरम्मत करवाना है। हाँ उसे कैसे पता चली? मुझे नहीं पता। झूठ मत बोलो, मुझे नीचा दिखाने के लिए उसे तुमने बताया ना? नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो इस तरह मुझ पर बर्तरी ले जाकर मुझे नीचा दिखाना चाहता है। नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर वो क्यों मेरे कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है? इसलिए कामिल, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है, उसका दिल बुरा नहीं है, नीयत साफ है उसकी। अच्छा तो मेरा दिल बुरा है? हाँ क्या हो गया आपको कामिल? जब से शाहरुख आया मैं देख रही हूँ आप बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं। मैं अजीब सा बिहेव कर रहा हूँ? जी हाँ, अजीब भी और बहुत ज्यादा स्ट्रेंज भी। पता नहीं क्या हो गया आपको। वेरी गुड। अरे अज़रा, तुम यहाँ इस वक्त? जी आपा। क्या हुआ है बताओ? कुछ नहीं आपा। क्या कामिल से कोई नाराजगी हो गई है? पता नहीं आपा, जब से शाहरुख आया है ना जाने कामिल को क्या हो गया। अजरा कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है?
पापा समझ नहीं आती, कभी कामिल को ऐसी बात करते हैं जिससे लगता है कि वो मुझ पर शक कर रहा है, और कभी ऐसी बात करते हैं जिससे मेरा दिल दुख जाता है। क्यों, क्या कहता है? पापा, शायद कामिल और शाहरुख की कामिल के स्कूल में इन्वेस्टमेंट पर कोई बात हुई होगी, तो वो मुझे कहने लगे कि ये सब करने के लिए तुमने शाहरुख से कहा है, और मुझे डांटा भी। वो तो मैंने कहा था शाहरुख से। आपने? और क्या, वो पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहा था, मैंने कहा था कामिल के साथ मिलकर ये कारोबार कर लो, और तुम्हें तो पता है यहाँ के लोग पैसा देखकर लालच करते हैं, उस मासूम को यहाँ के लोगों का भी तो नहीं पता ना, इसलिए मैंने उसको मशवरा दे दिया था। पापा, अगर ये सब आपने कहा था तो आप कामिल को क्यों नहीं समझाती? उन्होंने तो मेरी जान अजाब कर रखी है। पापा, मैं आज आपके साथ आपके रूम में सोऊंगी। सोने को तो तुम 100 दफा सो, मगर ये मुनासिब नहीं लगता। क्यों पापा, क्यों अच्छा नहीं लगता? घर में मेहमान आए, वो क्या सोचेगा? पापा, तो ये मेहमान कब जाएगा? जब से ये इस घर में आया है सारे मसले ही तब से पैदा होने शुरू हो गए। वो तुम्हारे मसले हल करने की कोशिश कर रहा है, फिर ऐसे करेंगे कुछ अरसे के बाद कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करवा देंगे। पापा, क्या हो गया आपको, कैसी बातें कर रही हैं? ये शादी का बोझ अपने सर पे बिल्कुल मत डालिएगा। अभी वो अकेला है तो हमारे इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अगर उसकी बीवी आ गई तो क्या बनेगा, कैसे गुजारा करेंगे हम लोग? तुम फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं कर लूंगी सब कुछ। पापा, आप कैसे करेंगी? एक मामूली सी पेंशन है जो घर आती है, और हया ने तो अभी कमाना शुरू किया है। सब कुछ हो जाएगा जरा, और फिर जब वो हमारे घर में रहेगा तो हमारे साथ शेयर भी तो करेगा ना। ठीक है आपा, आप फिर ऐसा करें कि आप शाहरुख को ही घर में रखें, मैं और कामिल अपने घर वापस चले जाते हैं। अरे, इसमें नाराज होने की क्या बात है, बात तो सुनो मेरी पूरी। इन लोगों का पता नहीं चलता। आज़र, पापा की तो सारी कोशिशें नाकाम रह गई। तो फिक्र नहीं करो, जितने से भी वो यहाँ पर हैं, मैंने इग्नोर करके रहना पड़ेगा। कैसे इग्नोर करूं? वो भी एक घर में रहते हुए। बाबा, एक साल का तो कॉन्ट्रैक्ट है ना उनसे, एटलीस्ट एक साल तो बर्दाश्त करो। नहीं कर सकती मैं उन्हें बर्दाश्त, उनके तो तस्वीर से भी मुझे दहशत होने लगती है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी कैफियत, तुम उनके बारे में सोचा नहीं किया? नहीं है ये मेरे बस में। अच्छा अच्छा, लिसन, जब तुम्हें उनका तस्वीर एक ड्रोना ख्वाब बन के डराया करे, तुम मेरे बारे में सोच लिया कर, कैसा? एक आप ही तो है जो मेरे लिए घने साए की तरह, वरना मैं तो कब से धूप में खड़ी अपने पांव जला रही थी। तुम घबराओ नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। अस्सलाम वालेकुम आबा। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? इतनी देर हो गई? जानबूझ के देर हुई, जल्दी आकर क्या करूंगा, आपकी भावे साहिबा तो नाराज बैठी हुई हैं। अच्छा, तो नाराज किया किसने? मैंने नाराज किया आबा। तो इससे पहले वो आकर कभी मेरे कमरे में सोई है? अच्छा, तो आप बताएं क्या करूं, अपना मुंह सीलूं या जाकर उसके पैर पड़ जाऊं, बताइए। बीवी है तुम्हारी, शक करोगे तंग करोगे तो माफी तो तुम्हें ही मांगनी पड़ेगी। उसको एहसास करना चाहिए ना, वो शाहरुख मियां और दोनों बैठकर खुसुर-बुसुर करते रहते, अपने दिल की बातें उससे कहती है, उसको इस बात का एहसास नहीं है? वो परदेसी है, तुम लोगों की मोहब्बत में इतनी दूर से आया है।
हम लोगों की मोहब्बत में नहीं आया, अजरा बेगम की मोहब्बत में आया है। अफसोस हुआ कामिल, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात करते हुए। क्या मतलब, ऐसी क्या बात कर दी मैंने? आप मुझे बताएं, कजन गैर नहीं होते? नहीं, अपनों को गैर और गैरों को अपना कह रहे हो ना, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। ये तो एहसास की बात है बेटा। एहसास की बात है इसीलिए आपसे कह रहा हूं। क्यों उसके सामने अपने दुखड़े फोल कर बता रही है? तभी तो मुझसे कह रहा है कि आप मुझसे उधार ले लें, पैसों की ऑफर कर रहा है मुझे। पापा उसने नहीं कहा था, मैंने उससे कहा था। मैंने उससे कहा था कि वो कामिल को जरूरत पड़ेगी स्कूल के कारोबार में पैसों की, और उसको भी सहारा मिल जाएगा। आपने कहा था, अजरा ने नहीं? जी नहीं, अजरा को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वो ऐसी लड़की नहीं है। ये बताएं कि मौसूफ जाएंगे कब? क्यों जाएगा, अभी तो मैं उसकी यहाँ शादी करवाऊंगी। क्या हो गया आपा, आपको तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तुम जाओ और अपनी बीवी को मनाओ बेटा, इस तरह घर बर्बाद हो जाते हैं। अच्छा अब ये भी बता दे, जाकर हाथ जोड़ू या सीधे पैरों पर पड़ जाऊं? बेटा जाके माफी मांगो, बीवी है तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी, घट नहीं जाएगी। अच्छा शाबाश। क्या हुआ, नाराज हो? नाराज हो? हाँ हूँ नाराज, चुप रहो या और कुछ बोलूं? बोलो बोलो जो तुम्हारे दिल में है, बोलो बताओ मुझे। जानते हैं आप, शक करते हैं आप मुझ पर, और ये सब आपा ने आपको पढ़ाया है। पता है मुझे। अच्छा पता है, तो फिर अब दिल साफ हुआ है या अभी तक दिल? मेरा दिल बिल्कुल साफ है, तुम ही अपने दिल में जहर रखती हो। अच्छा मेरे दिल में जहर भरा है, तो आप क्यों बोलते हैं जहर आलूदा जुमले? ज्यादती कर रही हो तुम, उल्टा छोर कोतवाल को डांटे। फिर शुरू हो गई हो तुम यार। अच्छा अब मैं शुरू हो गई हूँ, तो मुझ पर और शाहरुख पर कौन शक कर रहा था? मैं तो नहीं कर रहा था। कामिल साहब आप उस्ताद हैं, उस्ताद, झूठ मत बोले, बहुत सख्त पकड़ होगी आपकी। हाँ मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। क्या क्या अच्छा महसूस नहीं हो रहा था आपको? तुम बुरा मत मनाना, मैं अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर ये सब कुछ करता हूँ, मेरी अना को ठेस पहुंची इसलिए मैंने सब कुछ किया है। मोहब्बत में मजबूर होकर? और किसने आपकी अना को ठेस पहुंचाई है? कोई तुम्हें प्यार से देखे, अपनी नजरें करम तुम पर डाले, मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम ही बताओ ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है, इसीलिए मैंने सब कुछ किया है। मोहब्बत ही है, लेकिन मोहब्बत अगर शक से बालातर हो तो उसकी पाकीज़गी का एहसास और भी ज्यादा। अच्छा अजरा, मुझे माफ कर, मैं आइंदा तुम पे शक नहीं करूंगा, बस। सच कह रहे? सच, 100% सच। ठीक ठीक है, मैंने आपको माफ कर दिया, लेकिन आपको मेरी कुछ शरायत माननी होगी। शुक्र है मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बताओ। आप मुझे खाना खिलाने बाहर लेकर जाएंगे? जी लेके जाऊंगा। दूसरी शर्त, आप मुझे मूवी दिखाने सिनेमा लेके जाएंगे? जी लेके जाऊंगा। बस ठीक है, और एक पक्का वादा, आप कभी मेरे प्यार पर शक नहीं करेंगे और कभी मेरे एतबार को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। नहीं पहुंचाऊंगा, कभी नहीं पहुंचाऊंगा। खुश मैं मोहब्बत और तुम। आपजन सुलह हो गई? हो गई है शाहरुख, हो गई है। हुआ क्या था आपा? कुछ नहीं, बस कुछ गलत फहमियाँ थी। अच्छा दूर हो गई? अल्लाह का शुक्र है सब हो गई। तुम सुनाओ, तुम्हारे क्या इरादे हैं? बस आपा वो रकम है ना, उसको इन्वेस्ट करने का इरादा है। अच्छा अच्छा अच्छा, इस तरह उनकी हेल्प भी हो जाएगी ना। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। अब ये हया नजर नहीं आ रही, देखे इसके परिंदे प्यासे हैं, पता नहीं पानी दिया भी है कि नहीं, फर फर आ रहे हैं बेचारे। हाँ वो तो है, बस स्कूल जाती है ना बहुत थक जाती है, अपने कमरे में होगी।
आपा जाहिर है स्कूल से आती है आके थक जाती होगी, सारा दिन तो उसका स्कूल में निकल जाता है। फिजा का फोन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। अम्मी आप कल सब आ रहे हैं ना? हाँ बेटा, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। अम्मी आप शाहरुख मामू, कामिल मामू और मुमानी से भी कहिएगा कि सब आए। हाँ बेटा, सबको लेकर आऊंगी और तुम्हारे शाहरुख मामू भी आएंगे। टाइम से आ जाइएगा प्लीज। ठीक है बेटा, तुम फिक्र नहीं करो, तुम अपने काम निपटाओ, हम आ जाएंगे। चले अम्मी, अब मैं कॉल रखती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और भी बहुत सारे काम है। अल्लाह हाफिज़ बेटा। आपा फिजा क्या कह रही हैं? अरे शाहरुख, कल उनके यहाँ वलीमे की दावत है, हम सबको बुलाया है और खास तौर पर तुम्हें। मुझे? फिर तो हम जरूर जाएंगे, हमारी प्यारी भांजी ने जो बुलाया। और क्या और क्या, अरे बातों में लगा लिया, तुम्हारी चाय तो ठंडी हो रही है, ये लो। शुक्रिया आपा। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। शुक्रिया आपा। पांच लोग है काम। आई थिंक इट्स डन। इतने लोग काफी हैं और ये सब लोग लॉन में भी आते हैं, एटलीस्ट हमारे पास इतनी स्पेस तो है। हो तो जाएगा, लेकिन मुझे एक बात का बहुत डर लग रहा है। किस बात? कहीं लोगों के होते हमें शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो, सब बहुत अच्छा इंशाल्लाह। क्या हो गया अम्मीजान, क्या देख रही है बाहर? बेटा ये आवाजें कैसी आ रही है, लग रहा है कुछ काम हो रहा है। हाँ हो सकता है लॉन की मरम्मत हो रही हो। नहीं नहीं, मरम्मत नहीं, कुछ और ही काम हो रहा है। कुछ और क्या हो सकता है? खुद सोचो, अभी कल ही तो उनकी शादी हुई है, हो सकता है वलीमे का इंतजाम उन्होंने घर पर रखा हो। हाँ ये भी हो सकता है। इतने तो जलील बेगैरत लोग, हमें बुलाया तक नहीं, हम उनके किराएदार हैं। कैसी बातें करी अम्मी, जो सुलूक हमने उनके साथ किया है उसके बाद हमें बुला के खुद को जलील करवाना है उन्हें। कम से कम हमसे इजाजत तो लेनी चाहिए, कहीं हमें डिस्टरबेंस तो नहीं होगी। मेरी प्यारी माँ कैसी बात कर रही है, उनका घर है, जो दिल चाहे करें, कौन सी इजाजत। क्या हो गया तुम्हें, बड़ी तरफदारी कर रहे हो, इतने आराम से उन्हें खुशियां मनाने दोगे? खुशियां मनाना हर इंसान का हक है, देखते हैं ये लोग कब तक खुशियां मनाते। ये तो ठीक कह रहे हो, आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन छुरी के नीचे तो आकर रहेगी। चले मैं वो क्या था? अम्मी अम्मी, क्या बात है, क्यों शोर कर रही हो? अम्मी देखे ना, मैं आज वलीमे पर क्या पहनूं? क्या मतलब क्या पहनूं? कपड़े भरे पड़े अलमारी में, उनमें से निकाल के कोई पहन लो। अरे ऐसे कैसे कुछ भी पहन लूं, भाई मेरी इकलौती बहन का वलीमा है। अच्छा और जो फिजा ने इतने सारे कपड़े तुम्हें दिए उनका क्या होगा? अच्छा तो अब मैं उसके वलीमे पर भी उसकी उतरन पहनूं। अब जो भी घर में मौजूद है ना कपड़े, उनमें से कोई निकाल के पहन लो, अभी कोई कपड़ा वपड़ा नहीं नया लेकर आ रही। अरे अम्मी स्कूल से फुर्सत मिले तब मैं अपने आप पर ध्यान दूं ना। टाइम तो तुम्हारे पास है ही नहीं अपने लिए, मेरा सर खाने के लिए आ गई है। मैं चाहूंगी ही नहीं। अरे क्या हो गया, क्यों परेशान कर रही हो मेरी बहन को? देखे ना मामू, अम्मी कह रही है कि मैं फिजा के वलीमे पे पुराने कपड़े पहन के जाऊंगी। तो तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि मैं नया सूट लूं। अरे दिलाने दीजिए ना नया सूट, अब इसकी हर ख्वाहिश तो पूरी नहीं होगी ना। आप रहने दें, ये तो मेरा फर्ज है, ले जाऊं इसको? बिल्कुल नहीं, अब मैं किसी का कोई एहसान बर्दाश्त नहीं कर सकती।
और ना ही मैं किसी के एहसानों का बदला उतार सकती हूँ। आपा, इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज है। तुम बीच में ना ही बोलो तो अच्छा है। प्लीज। आपा, आपा। हाँ, तैयारी हो गई? क्या हो गई भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। क्यों समझ नहीं आ रहा? मुझे तो वैसे पता चल गया, वो गुलाबी वाला सूट आपने लेके दिया था ना, वो ही पहन कर जाऊंगी। मैं क्या पहनूं? आप अपनी, हाँ वो मैरून वाली वेस्टकोट पहन लेना। हाँ ठीक है। अच्छा ये बताओ, वहाँ जाएंगे तो देना क्या है? देना पड़ेगा। फल्ला, एक तो कहीं जाने से पहले आपको सबसे पहले ये फिक्र लग जाती है कि हमने देना क्या है, हमने देना क्या है। हमारी तरफ से कोई आता तो खाली हाथ ही आ जाता है। बस कर दे, निकाह पर सलामी दे दी थी, बहुत हो गया। खाली हाथ तो नहीं जाएंगे ना सरा? अच्छा तो ठीक है, मिठाई ले लीजिए ना, और क्या। अच्छा चलो ठीक है, ठीक। मेरी वो वेस्टकोट निकाल देना। अच्छा हाँ, मैं प्रेस कर देती हूँ आपका सूट। अरे आओ आओ भाई, कहाँ से शॉपिंग करके आया जा रहा है? देखे ना मोमानी जान, शाहरुख मामू ने मुझे नया ड्रेस दिलवाया है, दिखाओ। प्यारा है ना? वाह 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 भाई, ये तो बड़ा खूबसूरत है, नेट पे सारा काम हुआ हुआ है। हाँ जाहिर है, अब शाहरुख के माँ बाप ने उसके लिए इतनी दौलत छोड़ी है तो कहीं ना कहीं तो लुटाएगा ना। क्या मतलब? मतलब ये कि इतने सारे पैसे हैं, कहीं ना कहीं तो खर्च करेगा ना। इसको तरक्की करने का शौक है, ना इसको कोई बिजनेस करना है, तो पैसे कहीं तो खर्च करने हैं ना। आपको बुरा लगा? इसमें अच्छे बुरे की क्या बात है, कजन इसकी मैं हूँ, कपड़े ये तुम्हें दिला रहा है, शॉपिंग तुम्हें करा रहा है। हालांकि इसे पता भी है कि कामिल के हालात कितने बुरे हैं, कितने क्राइसिस में जा रहे हैं सब कुछ, लेकिन मजाल है कि इसने कभी पूछा भी हो मुझसे। अच्छा मैं ना अम्मी को ड्रेस दिखा के। अम्मी? अरे आ गई बेटा। जी अम्मी, देखे शाहरुख मामू ने मुझे कितना अच्छा ड्रेस दिलवाया। कहा था ना मैंने, मैं वो वाले कपड़े पहन के नहीं जाऊंगी वनी में पे। ये देखे, ये देखे, ये इसके अंदर की शर्ट और ये ट्राउजर, अच्छा है ना? इतने कीमती तोहफे तुमने क्यों लिए? क्या हो गया अम्मी, वो भी तो कामिल मामू की तरह मामू ही है ना। कामिल तुम्हारे सगे मामू हैं और शाहरुख तुम्हारे मुंह बोले मामू हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है अम्मी? जिस रिश्ते को जैसा समझोगे ना, वो वैसा ही रद्दे अमल दिखाते हैं। इनको वापस करके आओ, अकल की बात किया करो बेवकूफ लड़की, जो बात समझाती है ना वो समझा करो, वापस करके आओ। अम्मी वैसे तो आप भाई भाई करती रहती हैं, अब जब वो भाई बनकर दिखा रहे हैं तो इस तरह की बातें कर रही हैं। मैं नहीं वापस करूँ। मुझे समझाने की जरूरत नहीं, जो कहा है ना वो करो। अम्मी मैं नहीं वापस करती, बस। दिल चाहता है जाकर आग लगा दो। आप भाई से कुछ कहे ना कि वो कुछ करे। अरे भाई क्या करेगा, कोर्ट के फैसलों से डर गया है, वो कुछ नहीं करने वाला। अगर भाई क्यों डर गए, भाई अगर वो कुछ करेगा तो धर लिया जाएगा। सुबह तक तो ठीक था, ये अचानक एकदम क्या हो गया? अरे मोटी अक्कल, सुबह को ही तो कोर्ट से फैसला आया है। ये बुड्ढा बहुत खबीस है, ऐसे ही तो यहाँ वलीमा नहीं कर रहा ना, जानबूझ के हमें जलाने के लिए। चले आप बाहर चले, हम सारी लाइटें तोड़कर आ जाते, लोग तो चले जाए। पागल हो गई ना जज्बाती लड़की, हम कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे क्या हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए? वहाँ वो लोग खुशियाँ मना रहे और हम यहाँ परेशान हो रहे। तुम्हें जो करना था तुमने तो वो किया नहीं, अब सारा काम फराज के ऊपर छोड़ दो, वो सब कुछ संभाल लेगा। अभी तो फिलहाल सिर्फ जलना ही लिखा है ना। आपका जो काम है ना, सिर्फ ताने मारना रह गया है। सब कुछ तबाह कर दो।